हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में आपका खुद का पेड होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके लिए सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाते ही आपको गाइस हेलो पेड ये ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो। इसे सिंपली मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। और इसे आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ परमिशन सेट कर लेनी है। आफ्टर डाउनलोड गाइस आप देखोगे यहाँ पे आपको पेट्स दिखाई देंगे। सिंपली आपको यहाँ से चूज करना है। यहाँ पे मैं पेट नेम दे देता हूँ। अब दोस्तों आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे आपको पेट दिखाई दे रहा है। और आप जैसे यहाँ पे इसे मूव करोगे वो वहाँ पे आपके टच के ऊपर मूव करने लगेगा। अब मैं यहाँ से सिंपली मिनिमाइज कर लेता हूँ और आप देखोगे आपके होम स्क्रीन पर भी ये पेट आ चुका है। मैं यहाँ पे वॉलपेपर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सके। अब आप इसे क्लियरली देख पा रहे हो। मैं जैसे यहाँ पे टैप कर रहा हूँ तो मेरे टच के हिसाब से वो पेट मूवमेंट कर रहा है। अगर आपको यहाँ से टैब डिजेबल करना है तो आप यहाँ से सिंपली टच डिजेबल भी कर सकते हो। अब आप देखोगे यहाँ से मेरे टच का यहाँ पे कोई रिस्पांस पेट नहीं दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको इसे ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ से पेट गायब हो चुका है। अब देखोगे आप फिर से मैं पेट इनेबल करने वाला हूँ और यहाँ से टैब भी इनेबल कर लेता हूँ ताकि पेट फिर से हमारे होम स्क्रीन पर आ जाए। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में अपने होम स्क्रीन पर पेट ऐड कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली गाइस ये लॉक स्क्रीन में वर्क नहीं करता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्दी एक नई वीडियो में मिलता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।